विदिशा जिले के श्री हरि वृद्ध आश्रम के आधार स्तंभ रहे वरिष्ठ समाज सेवी स्व मोहन अग्रवाल की सेवा धर्मिता स्मृतियों को चिर स्थायी बनाए रखने हेतु वृद्ध आश्रम का पुरुष सेवा कक्ष का लोकार्पण किया गया। उनके पुत्र डॉक्टर भारत अग्रवाल सहित उनके परिजन और वृद्धाश्रम के मार्गदर्शक महिप भानु शर्मा, संचालक वैद्य प्रकाश शर्मा की उपस्थिति में लोकार्पित हुआ। वृद्धाश्रम की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा शर्मा ने वृद्धाश्रम के पुरुष कक्ष को समाज सेवी के नाम अर्पित करते हुए कहा कि वरिष्ठ समाज सेवी मोहन अग्रवाल का नाम पूरा जीवन निस्वार्थ रूप से समाज के कल्याण हेतु समर्पित रहा। वे सेवा के संत थे। उन्होंने समाज को जमीनी सेवा का पाठ पढ़ाया। गौरतलब है कि स्व मोहन अग्रवाल ने वृद्धाश्रम को संचालित करने हेतु शुरुआत से अनेक बार गुप्त रूप से आर्थिक सहयोग किया और प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था के साथ रसोईया नहीं आने पर आश्रम में खुद भोजन बनाया और परोसा। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। श्री हरि वृद्धाश्रम विदिशा के प्रेरणा पुरुष विदिशा के वरिष्ठ समाज सेवी मोहन लाल जी अग्रवाल की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए वृद्धाश्रम के पुरुष सेवा कक्ष को पूज्य मोहन लाल अग्रवाल जी के नाम से आज लोकार्पित किया गया। इस अवसर पर उनके सुपुत्र आदरणीय भरत अग्रवाल जी और पूरा परिवार मौजूद था। जी, आज पूज्य मोहन लाल जी अग्रवाल जी के परिवार के द्वारा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को भोजन कराया गया। आज मोहन अग्रवाल जी बाबूजी का पूरा परिवार वृद्धाश्रम में यहाँ भोजन कराने के लिए आए। मोहन बाबूजी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वृद्धाश्रम में एक कक्ष मोहन बाबूजी के नाम पर किया गया। उसका लोकार्पण उनके परिजनों द्वारा किया गया। साथ ही मोहन बाबूजी वृद्धाश्रम में बड़ी लंबे समय से अपनी सेवाएं देते थे, अपना मार्गदर्शन देते थे। उनके मार्गदर्शन में ये वृद्धाश्रम का संचालन होता था और उनके आज उनके परिजनों ने भी उनके पद चिन्हों पर चलते हुए यहाँ सभी बुजुर्गों से अपना आशीर्वाद लिया और यहाँ उनको भोजन कराया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।